हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। बेस्टेड साइंस एमसीक्यू सीरीज के 71st पार्ट में स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ये जो एमसीक्यू सीरीज है, इसके साथ साथ जो भी हमारे वीडियोस हैं रिलेटेड टू वेजिटेबल साइंस, जो भी ब्रीफ टॉपिक्स हैं, जो वेजिटेबल साइंस की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ICAR नेट एग्जाम इन वेजिटेबल साइंस, राइट? सो स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेनरी। आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेंसिव टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन इज, जो मोस्ट इंटेंसिव टाइप जो वेजिटेबल गार्डन है वो कौन सा है? तो डेट इज योर मार्केट गार्डन। मार्केट गार्डन जो होता है वो मोस्ट इंटेंसिव टाइप है, राइट? तो मोस्ट इंटेंसिव टाइप हो गया आपका मार्केट गार्डन। ट्रक गार्डन जो होता है वो आपका एक्सटेंसिव टाइप का होता है, राइट? ट्रक गार्डन जो है वो आपका मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप का वेजिटेबल गार्डन होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप। और अगर हम किचन गार्डन की बात करें तो ये एंशियंट टाइप का है, राइट? तो सबसे एंशियंट टाइप का वेजिटेबल गार्डन है, दैट इज योर किचन गार्डन, राइट? और वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स की ये जो गार्डन है, मीन्स की हम जब वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डल लेक ऑफ कश्मीर वैली इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गार्डन। तो डल लेक जो है कश्मीर वैली में, वहां पे वो किस टाइप के वेजिटेबल गार्डन का एग्जाम्पल है? तो नेचुरली दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग गार्डन का। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। इनमें से कौन सा जो इफेक्ट है, कौन सा जो आपका प्रॉब्लम है जो वेजिटेबल क्रॉप्स में है ड्यू टू इथाइलिन की वजह से? बिटरनेस इन कैरेट, येलोइंग ऑफ ब्रोकली, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, ऑल ऑफ अब। तो ये सभी जो है आपका इथाइलिन का इफेक्ट के कारण है, राइट? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथोसाइनिन रिच वैराइटीज ऑफ रेडिश आर। अब एंथोसाइनिन रिच वैराइटीज कौन सी है रेडिश की? तो पूसा गुलाबी एंथोसाइनिन रिच है, पालम हृदय एचपी के भी पालमपुर से है, ये भी एंथोसाइनिन रिच वैराइटी है रेडिश की, पूसा जामुनी भी। तो ये सभी वैराइटीज एंथोसाइनिन रिच है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज CGMS इन कैप्सिकम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, जो आपका CGMS सिस्टम है कैप्सिकम में, सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? तो ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था पीटरसन ने। राइट आंसर इज सी, पीटरसन ने, कब? 1958 में, राइट? इन कौन सी लाइन में रिपोर्ट किया था? एक इंटोग्रेशन लाइन थी इंडिया से ही, PI 164835, इस लाइन में, राइट? तो CGMS सिस्टम सबसे पहले रिपोर्ट किया कैप्सिकम में किसने? पीटरसन ने, कब? 1958। नेक्स्ट इज द टर्म सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज कॉइंड बाय, जो कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टर्म ये किसने दी थी? जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टर्म जो है वो दी थी आपकी स्टाउट ने, टर्म जो स्टॉट ने दी थी, बट हम कह सकते हैं जो फिनोमेनन ने डिस्कवर किया था, कॉइल रूटर ने डिस्कवर किया था सबसे पहले पर्पल मुलन प्लांट में, राइट? बट टर्म जो है वो स्टॉट ने दी थी। नेक्स्ट इज द जीन पूल कंसेप्ट वाज गिवन बाय, तो जीन पूल का कंसेप्ट है ये किसने दिया था? नेचुरली जीन पूल कंसेप्ट दिया गया था आपका हार्लेन एंड डीबेट के द्वारा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिस्कवर्ड सेक्स इन प्लांट, तो सेक्स इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमेरेरियस। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज डैश प्लांट। स्वीट पोटैटो क्या है, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, या किस टाइप का प्लांट है? तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो आपका शॉर्ट डे प्लांट है। राइट आंसर इज सी। आउटब्रीडिंग इन कैरेट इज ड्यू टू, कैरेट में जो आउटब्रीडिंग करेक्टर है मीन्स क्रॉस पोलिनेशन जो होती है कैरेट में, वो किस वजह से होती है? तो डेट इज मेनली एसोसिएटेड विद प्रोटेंडरी फिनोमिनन, जहां पे आपके एंथर जो वो पहले मेच्योर हो जाते हैं स्टिग्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्वार गम इज अपटेन फ्रॉम, ग्वार गम किससे हमें मिलता है, कौन सी बीन से? तो ग्वार गम इज अपटेन फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लस्टर बीन से। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज विच इज यूज टू मेक क्रॉसिस बिटवीन टू इनकम्पेटिबल स्पीसीज इज नोन एज, ऐसी स्पीसीज जिसको कि हम यूज करते हैं क्रॉस बनाने के लिए किसी चीज में दो इनकम्पेटिबल स्पीसीज के बीच में, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? मीन्स कि सपोज करो दो स्पीसीज हैं ए और बी, और बी से हमें कुछ ट्रेड जो है वो ए में ट्रांसफर करने, बट ए और बी जो है वो क्रॉसेबल नहीं है, बट एक और स्पीसीज है सी कि जो कि क्रॉसेबल है बी के साथ भी, तो हम और ए के साथ भी, तो हम ऐसी सी को स्पीसीज को हम यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन सी स्पीसीज की जो कि हम यूज कर सकते हैं कि इसके और इसके बीच में ट्रेड ट्रांसफर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे और इसको फिर इससे ट्रेड ट्रांसफर कर देंगे, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं ब्रिज स्पीसीज। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हर्मोफ्रोडाइट वैरायटी ऑफ रिच गॉड इज, सटपुतिया, काशी खुशी, पूसा तृप्ति, ये तीनों जो है हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर है। राइट आंसर इज डी। द सीड बिल डैश एम्स टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड,
सॉल्ट एंड रिप्लेसिस द सीड एक्ट 1966। हमें बताया जो एनेक्टमेंट ऑफ सीड एक्ट हुआ था कब हुआ था 1966 में। तो इनमें से कौन सा सीड बिल है जो कि इसलिए क्वालिटी सीड के लिए है, एक तरह से हम कह सकते हैं क्वालिटी सीड बिल है, ऐसे बोलते हैं कि विच इज जो रेगुलेट करता है क्वालिटी ऑफ सीड्स, कौन सा सीड जो हम सोल्ड करते हैं ट्रेड करते हैं, तो ऐसा कौन सा सीड बिल है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो रिप्लेस करता है जो सीड एक्ट था 1966 का। इसका राइट आंसर है आपका ए 2004, सीड बिल 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोमेटो इज सुटेबल वेजिटेबल फॉर, टोमेटो जो सुटेबल वेजिटेबल है टिश्यू कल्चर के लिए, टिश्यू कल्चर स्टडीज के लिए, ट्रांसजेनिक स्टडीज के लिए, मॉलिकुलर स्टडीज के लिए, तो इन तीनों के लिए सुटेबल है टोमेटो। मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि टोमेटो इन सर्विस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मॉडल प्लांट है टोमेटो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑल ऑफ अबव। फॉर डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट डैश कल्चर इज यूज, वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा कल्चर करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं मेरिस्टेम कल्चर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज वर्जीनियस सेबोए इज ए वैरायटी ऑफ, वर्जीनियस सेबोए किसकी वैरायटी है, वर्जीनियस सेबोए जो है आपकी स्पिनच की वैरायटी है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोमेटो वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया, टोमेटो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कलकत्ता के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था टोमेटो इंडिया में कब, 1828 में। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज मोस्टली वेजिटेबल्स आर डैश इन नेचर, मोस्टली वेजिटेबल्स जो होती है जो मेनली वेजिटेबल्स जो है दे आर अल्केलाइन इन नेचर है। राइट आंसर इज बी। जब वो आपका टोमेटो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, राइट, बट मेजोरिटी ऑफ द वेजिटेबल्स दे आर अल्केलाइन इन नेचर। द शेल्फ लाइफ ऑफ पॉइंटेड गोर्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशन इज, जब हम नॉर्मल कंडीशन में स्टोर करते हैं पॉइंटेड गोर्ड को, नॉर्मल कंडीशन में पॉइंटेड गोर्ड की शेल्फ लाइफ कितनी होती है, बहुत ही कम शेल्फ लाइफ होती है, तो इट इज 3 to 4 days होती है। राइट आंसर इज ए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड, बी सिंसियर फ्रेंडली। जय हिंद, थैंक यू।